हेलो क्लास टू। तो भाई कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को, और आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। यानी स्टोरी प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन अब ये किस पे बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे ये बेस्ड है। तो रेडी है आप लोग? सबको तो टेबल लर्न है कि नहीं? टेबल लर्न है तो चलिए भाई, टेबल लर्न है तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टोरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर वन देखिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन। देयर आर सिक्स स्टूडेंट्स इन जेन्स क्लास। देयर आर सिक्स स्टूडेंट्स इन जेन्स क्लास। जेन की क्लास में सिक्स स्टूडेंट्स हैं। टीचर गेव टू पेंसिल्स टू ईच ऑफ देम। टीचर गेव टू पेंसिल्स ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम मीन्स टीचर ने सभी को टू टू पेंसिल्स दे दी। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को टू टू पेंसिल्स क्या कर दी? दे दी। अब पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी पेंसिल्स वर गिवन। तो कितनी टोटल पेंसिल्स स्टूडेंट्स को दे दी गई? कितनी टोटल पेंसिल्स हमने स्टूडेंट में बांट दी? देखिए, देयर आर सिक्स स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? सिक्स स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? सिक्स। टीचर गिव टू पेंसिल्स टू ईच ऑफ देम। टू पेंसिल्स एक एक सभी स्टूडेंट्स को मिली है, ठीक, पर स्टूडेंट टू पेंसिल्स हैं। तो टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? तो देखिए भाई, वन स्टूडेंट को हम कितनी पेंसिल दे रहे हैं? टू पेंसिल्स। तो सिक्स स्टूडेंट को हम कितनी पेंसिल दे देंगे? वन स्टूडेंट को टू पेंसिल्स। तो सिक्स स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल देंगे? तो हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? वी विल डू मल्टीप्लीकेशन हियर। ठीक है, तो चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स स्टूडेंट्स इंटू टू पेंसिल्स। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो सिक्स इंटू टू पेंसिल्स इक्वल टू सिक्स टू जा ट्वेल्व। ट्वेल्व पेंसिल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ट्वेल्व पेंसिल्स। क्लियर है? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज वर प्लेइंग अ गेम। टू ग्रुप्स, ठीक है, टू ग्रुप्स है, वन ग्रुप हियर एंड सेकेंड ग्रुप इज हियर। टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज आर प्लेइंग अ गेम। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर प्लेइंग अ गेम। ओके, ईच ग्रुप हैज सेवन बॉयज। ईच ग्रुप हैज सेवन बॉयज। या हाउ मेनी प्लेयर्स या हाउ मेनी बॉयज इन ईच ग्रुप? नंबर ऑफ बॉयज इन ईच ग्रुप इज सेवन। यानी एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं? सेवन है। टू ग्रुप्स है, अब वन ग्रुप में कितने हैं? सेवन बॉयज हैं, सेवन बॉयज हैं, और इसमें भी सेवन बॉयज हैं। पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ऑल। हाउ मेनी बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन टू ग्रुप्स। आपको फाइंड आउट कर रहा है कि इन दोनों ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो देखिए, वन ग्रुप में कितना है भाई? वन ग्रुप में है सेवन, तो टू ग्रुप्स में कितना हो जाएगा? वन ग्रुप में है सेवन, तो टू ग्रुप्स में सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू, सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू, सेवन टू जा 14 बॉयज। सेवन टू जा 14 बॉयज। कितने प्लेयर्स हैं? कितने बॉयज हैं? 14 बॉयज है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। देयर आर थ्री बास्केट्स। हाउ मेनी बास्केट्स? थ्री बास्केट्स। देयर आर थ्री बास्केट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट इज थ्री। हमारे पास थ्री बास्केट्स हैं। इन ईच बास्केट देयर आर फाइव फ्लावर्स। इन ईच बास्केट देयर आर फाइव फ्लावर्स। हर एक बास्केट में, ईच बास्केट, ठीक है, ईच बास्केट, हर एक बास्केट में फाइव फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है? फाइव फ्लावर्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन थ्री बास्केट्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स फाइंड आउट करना है थ्री बास्केट्स, इन थ्री बास्केट्स, ठीक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन थ्री बास्केट्स? थ्री बास्केट यानी तीनों टोकरियों में टोटल कितने फ्लावर्स हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वन बास्केट में कितना है? वन बास्केट में है कितना? वन बास्केट में फाइव फ्लावर। वन बास्केट में फाइव फ्लावर्स हैं। वन बास्केट में फाइव फ्लावर्स हैं, तो थ्री बास्केट में कितना हो जाएगा? वन टू थ्री। थ्री बास्केट में कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो थ्री इंटू फाइव, थ्री बास्केट इंटू फाइव फ्लावर्स, ठीक है, थ्री इंटू फाइव, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। और हाउ मेनी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स? तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन फ्लावर्स। क्या हो जाएगा? 15 फ्लावर्स। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर। यू आर डूइंग फोर सम्स ईच डे। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग फोर सम्स ईच डे। फोर सम्स दैट मींस आप फोर क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली, पर डे। पर डे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? फोर क्वेश्चंस।
हाउ मेनी सम्स कैन यू डू इन फोर डेज? हाउ मेनी सम्स कैन यू डू इन फोर डेज? तो पूछ रहा है कि फोर डेज में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फोर डेज में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ये पूछ रहा है। तो वन डे में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? वन डे में आप सॉल्व कर रहे हैं थ्री है ना, फोर क्वेश्चन, फोर सम्स, फोर सम्स जो सॉल्व कर रहे हैं आप कितने दिन में? वन, एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर डेज में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो वन डे में फोर सॉल्व कर रहे हैं तो फोर डेज में, तो फोर इंटू फोर, फोर इंटू फोर, तो फोर फोर जा कितना हो जाएगा भाई? फोर फोर जा 16 सम्स। तो टोटल नंबर ऑफ सम्स कितना आ गया भाई? फोर इंटू फोर 16 सम्स। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। देयर आर फाइव कैट्स, देयर आर फाइव कैट्स, हाउ मेनी कैट्स? फाइव कैट्स। ईच कैट इज गिवेन फोर रैट्स टू ईट, ईच कैट इज गिवेन फोर रैट्स टू ईट। फाइव कैट्स हैं और हर एक कैट को फोर रैट्स दिए जा रहे हैं खाने के लिए, यानी ईट, खाने के लिए कितने रैट्स दिए जा रहे हैं? फोर रैट्स, फोर रैट्स दिए जा रहे हैं खाने के लिए। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रैट्स गिवन टू देम, तो टोटल कितने रैट्स हमने कैट को दे दिया, कैट्स को खाने के लिए दे दिया। तो कितने कैट्स हैं हमारे पास? हमारे पास है फाइव कैट्स, हमारे पास है फाइव कैट्स, और ईच कैट यानी एक कैट को कितने रैट मिल रहे हैं? फोर रैट्स, फोर रैट्स मिल रहे हैं एक, यानी वन कैट को फोर रैट्स मिल रहे हैं। तो फाइव कैट्स को कितने रैट मिलेंगे टोटल मिला के? देखिए वन का दिया है ना, वन रैट, वन कैट का गिवन है और मोर देन, ठीक है, मोर देन यानी अधिक का पूछ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब वन का गिवन हो और अधिक का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो वन कैट के लिए कितना है? फोर रैट्स, तो पूरा टोटल फाइव कैट्स के लिए कितना हो जाएगा? फाइव इंटू फोर, तो फाइव फोर जा कितना हो गया? फाइव फोर जा 20 रैट्स। हाउ मेनी रैट्स, कितना रैट्स आया? 20 रैट्स। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स। यू हैड सिक्स स्टैम्प्स, यू हैड सिक्स स्टैम्प्स, सिक्स स्टैम्प्स आपके पास है। मनीष हैड ऑल्सो सिक्स स्टैम्प्स, अच्छा मनीष के पास भी सिक्स स्टैम्प्स है। एंड गणेश ऑल्सो हैड सिक्स स्टैम्प्स, और गणेश के पास भी सिक्स स्टैम्प्स है। सिक्स स्टैम्प्स आपके पास है, सिक्स स्टैम्प्स मनीष के पास है, सिक्स स्टैम्प्स गणेश के पास है। हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड दे हैव ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने स्टैम्प्स हो गए तीनों लोग के पास? तीनों लोग मिलकर कितने स्टैम्प्स लिए हैं, टोटल कितने स्टैम्प्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास कितने हैं? सिक्स, ठीक है। इसके बाद मनीष के पास भी है सिक्स और गणेश के पास भी है सिक्स, तो सिक्स हो गया सबके पास। और कितने नंबर ऑफ पर्सन है, कितने लोग हैं? थ्री, एक तो आप हो गए यू, ठीक है, मनीष और गणेश, ठीक है, तीन लोग हो गए, थ्री पर्सन आर देयर। अब वन पर्सन यानी एक के पास कितने हैं भाई? सिक्स। वन के पास कितने हैं, कितने स्टैम्प्स है? सिक्स स्टैम्प्स है। तो जब वन के पास सिक्स स्टैम्प्स है तो बताइए कि सब तीनों के पास, थ्री पर्सन के पास कितने हो जाएंगे? ठीक, वन का गिवन है ना, वन का दिया है, वन पर्सन के पास सिक्स स्टैम्प्स है और थ्री पर्सन का पूछ रहा है टोटल, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो करेंगे सिक्स इंटू थ्री, क्या करेंगे? सिक्स इंटू थ्री, सिक्स इंटू थ्री, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स थ्री जा 18 स्टैम्प्स। कितना आ गया भाई? 18 स्टैम्प्स। आ गया ये क्वेश्चन नंबर सेवन पे। फॉर इंडिपेंडेंस डे द टीचर आस्क्ड जगदीश राहुल प्रदीप तुषार, जगदीश राहुल प्रदीप तुषार, फोर पर्सन, फोर पर्सन आर देयर, चार लोग हैं भाई, ठीक है, टू ब्रिंग फ्लावर्स। क्या टीचर ने कहा इन चारों लोगों से? क्या कहा? कि आप जो है फ्लावर्स लेके आइए। क्या लेके आइए? फ्लावर्स लेके आइए, फूल। ईच ऑफ देम ब्रॉट थ्री गार्लैंड्स, सबने थ्री गार्लैंड्स फ्लावर जो है लेके आए, ठीक है, थ्री गार्लैंड्स। तो देखिए जगदीश राहुल प्रदीप तुषार ये फोर पर्सन है और सबने थ्री गार्लैंड्स फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, ठीक, सब जो है थ्री गार्लैंड्स फ्लावर लेके आ रहे हैं और पूछ रहा है कि टोटल कितना हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स दे ब्रॉट, टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितना हो जाएगा? देखिए वन पर्सन का दिया है, वन पर्सन का कितना है? वन पर्सन का है थ्री गार्लैंड्स,
एक आदमी कितना लेके आ रहा है, 3 गार्लैंड, तो टोटल 4 है, ठीक है, टोटल 4 है, तो टोटल 4 है तो कितना गार्लैंड्स हो जाएगा, तो 3 × 4, तो 3 × 4 करेंगे क्या, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 गार्लैंड्स, तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितना हो गया, 12 गार्लैंड्स, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, थ्री फ्रेंड्स यानी तीन दोस्त जो है वो गए फिशिंग यानी मछली के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ईच ऑफ देम कॉट 7 फिशेस, ठीक है, 3 पर्सन है आपके पास, 1 2 3, 3 पर्सन है, ईच ऑफ देम कॉट 7 फिशेस, ईच ऑफ देम यानी हर एक ने कितने फिशेस पकड़े, 7 फिशेस, हर एक ने कितने फिशेस पकड़े, 7 फिशेस पकड़े, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिशेस दे कॉट, तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हो जाएंगे, तीनों ने मिलकर कितने मछलियां, कितनी मछलियां पकड़ ली, तो देखिए एक ने कितनी मछलियां पकड़ रहे, एक कितने मछलियां पकड़ रहे हैं, 7, तो 3 तीनों लोग मिलके कितनी पकड़ेंगे, तो 3 × 7, 3 × 7, तो 3 × 7 = 21 फिशेस, 3 × 7 = 21 फिशेस, ठीक, टोटल 21 फिशेस होंगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर फोर रोज ऑफ ट्रीज, कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, ठीक है, 4 रोज हैं, इन ईच रो देयर आर 8 ट्रीज, और ईच रो यानी एक रो में कितनी ट्रीज हैं, 8 ट्रीज हैं, नंबर ऑफ रोज इज 4, 4 रोज है आपके पास, 1 2 3 4, 4 रोज है, और कह रहा है इन ईच रो देयर आर 8 ट्रीज, कितनी ट्रीज हैं, 1 रो में कितनी ट्रीज हैं, 8, 1 रो में कितनी है, 8 ट्रीज हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल, तो टोटल 4 रोज में कितनी ट्रीज हो जाएंगी, टोटल 4 रोज में कितनी ट्रीज हो जाएंगी, तो 1 रो में है 8, 1 का गिवन है, मोर देन का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 × 8 = 32, तो हाउ मेनी ट्रीज, देयर आर 32 ट्रीज, ठीक है, 32 ट्रीज है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज है 1.6 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, ये कंप्लीट होता है, और आपको क्या करना है, आपको भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है पूरा, और कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, ओके, बाय क्लास 2।